पूरे देश में लड़ाई चली हुई है, बेच के अपनी फसल बेच के हम एक तोला सोना ले सकते थे। जो गांव के लोग हैं अपनी जमीन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, जो संयुक्त मोर्चा कहता है उसकी बात को मानते हैं, और हमको लगती है कि सरकार जो है वो सर्दी में गई थी किसानों के बीच से। जो अनाज का वितरण प्रणाली है उसको हम सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे उसके खाते में। बड़े बड़े जो सेठ लोग होंगे, बड़े बड़े जो घराने होंगे, जो कंपनियां होगी उनके गोदामों में बंद होगा। जब फसल किसान की आएगी तो रेट सस्ता होगा, अनाज तिजोरियों में बंद नहीं होगा, वो उसको किसी को खाने के लिए नहीं देते, चाहे उसका कर्मचारी भी हो। उनके जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो कमेटी के लोग हैं, वे लोग मिले थे, आम जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। नेता मुक्ति अभियान भी हमको चलाना पड़ेगा देश में। नौजवान साथियों का अध्यक्ष जी और समस्त यहाँ पे माताएं बहनें आए हुए हैं, किसानों, पत्रकार बंधु, पुलिस प्रशासन के लोग, बहुत बात किसान आंदोलन पर हुई, किसानी पे हुई, और उड़ीसा में यहाँ पे आने का एक मौका मिला। बहुत क्रांतिकारी लोग उड़ीसा के अच्छे भाई, और इनके साथ में बहुत साथी ये फोन करते रहे कि यहाँ पाए। कई राज्य को होते हुए बहुत बाधाएं, जगह जगह रुकते हुए पुलिस प्रशासन इनको रोकते थे, बैठे रहे वहां पे और फिर आगे चलते रहे। तो ये सारे क्रांतिकारी जो किसान हैं यहाँ पे, वे सब लोग का धन्यवाद है कि आपने दिल्ली के आंदोलन में आप हिस्सा बने। आप यहाँ पे भी बहुत लड़ाई लड़ते हो, पूरे देश में लड़ाई चली हुई है, दिल्ली को चारों तरफ से किसानों ने घेर कर रखा हुआ है। मुद्दा भी पहला इशू अभी शुरू हुआ वो है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो MSP है उसको दे दो। अभी हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट की भी बात करी, अभी तो पहली सिटी है, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद में मार्केट भाव आएगा, उसके बाद में आएगा कि जो हमारे साथ में नाइंसाफी हुई है। 1967 जब ये MSP लागू हुई उस टाइम का हमको भाव चाहिए। उस टाइम का भाव क्या था, अगर हम गेहूं की बात करें, कणक की बात करें, 76 रुपये पर क्विंटल भारत सरकार ने रेट रखा, वो जो कर्मचारी था उसकी सैलरी 70 रुपया थी, तो एक महीने की तनख्वाह में एक क्विंटल अनाज नहीं ले सकता था। जो सोने का भाव था वो 200 रुपये का एक तोला था, तो 3 क्विंटल गेहूं बेच के, अपनी फसल बेच के हम एक तोला सोना ले सकते थे। हमने एक प्रेस को कह दिया यही बात, तो उस प्रेस ने चलाया बड़े मोटे हेडिंग में कि किसान जो बैठा हुआ है वो चाहता है कि मेरे गेहूं का भाव, मेरी फसलों का भाव 18,000 रुपये क्विंटल हो, ये तो पूरे देश को बर्बाद करेंगे। ये चलाई उसने खबर। हमने कहा कि हमने हिसाब मांगा है, हिसाब दिया है अपना, अभी तो हम उसी चीज पे लटक रहे कि जो उन्हें भाव तय करा, जो आज से 51-52 साल पहले भाव तय करे, हमको वही दे दो भाव। उस पर भी साफ मना कर दिया कि भाव नहीं मिलेगा आपको, ये किसान क्या करेगा, किसान तो बर्बाद होगा बिल्कुल। जो गांव के लोग हैं अपनी जमीन छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, और कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनी आ गई वे यही चाहते हैं कि ये किसान अपनी जमीन छोड़ के यहां से जाए, वो मजदूर बने, वो शहरों में झोगियों बस्ती में रहे, हमारी फैक्ट्री में काम करें, हमारे घरों के वहां चौकीदारी करें, वो यही तो चाहते हैं। लेकिन अब ये नहीं होगा, अब संयुक्त मोर्चा आ गया है, इन्हें पूरे विभाग में
जब किसानी का नंबर आया तो देश का किसान इकट्ठा होकर अब सामना आ गया है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो दिल्ली के आसपास के जो लोग हैं, जो दिल्ली कभी चारों तरफ से घिरी नहीं, बहुत मोर्चे उसके खाली रहते थे, अब की बात है कि दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर रखा हुआ है। कई लाख आदमी आज भी दिल्ली के चारों तरफ है, पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए, अपने परिवार को वहां ले आए। जब एक महीना 15 दिन हुए तो ये लगता था कि चले जाएंगे, लेकिन जब 4 महीने हो गए तो ये लगा कि ये तो हमारा जन्म स्थल है, दिल्ली हमारा कर्म स्थल है, वो हमारी कर्म स्थली है, उसी से ही देश के किसानों को आजादी मिलेगी। जो दिल्ली के चारों तरफ जो बॉर्डर है, वे बॉर्डर मजबूत होंगे तो पूरे देश के किसान के भाग्य का फैसला उन किसानों के बॉर्डरों से होगा। घबराने की बात नहीं, अब आप दिल्ली तक अपनी फसल को लेकर नहीं जा सकते, आपको अपने आंदोलन अपने जिलों में शुरू करने पड़ेंगे, अपने कलेक्टर में शुरू करने पड़ेंगे, अपने डीएम ऑफिस में शुरू करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको धरने शुरू करने पड़ेंगे, अपने जो धरना स्थल है वे बनाने पड़ेंगे। एक मैसेज जाए पूरे देश भर में, हजारों जगह आज भी धरने चले हुए हैं, बहुत जगह का पता भी नहीं कि वो पूरे जो संयुक्त मोर्चे की जो कोर हो उसको फॉलो करते हैं लोग। महाराष्ट्र में गए तो वहां के लोगों ने बताया कि जो संयुक्त मोर्चे की कोर होती है हम उसको फॉलो करते हैं। राजस्थान के बहुत से जिले हैं कि वहां पर लोग बैठे हुए हैं, डीएम के ऑफिस में वहां पर बैठे हुए हैं, मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं, लोग धरने दे रहे हैं, जो संयुक्त मोर्चा कहता है उसकी बात को मानते हैं। सरकार अभी 2 महीने से बात नहीं कर रही, हम भी आदि हो गए। प्रेस के लोग बोलते हैं कि कब बात करोगे, हमने कहा कि हमको जरूरत ही नहीं है अभी, और हमको लगती है कि सरकार जो है वो सर्दी में गई थी किसानों के बीच से, और सर्दी में ही वापसी आएगी। तो लोग कहते हैं कि इस तरह की बात क्यों करते हो, हमने कहा कि हमारे वहां पे मेले लगते हैं, और मेले में अगर कोई गुम हो जाए तो अगले साल उसी मेले में आएगा, उसका परिवार भी आएगा, वो गुम हुआ व्यक्ति भी वहीं आएगा, तो उन दोनों परिवारों का मेल मिलाप वहीं होता है। इसीलिए सरकार सर्दी में गई तो सरकार सर्दी में ही मिलेगी, तो लंबे आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी हमको। देश से एमएसपी को खत्म करने का प्लान चल रहा, जो बीपीएल का जो कार्ड है ये खत्म होंगे धीरे धीरे। उनका कहना है कि जो मजदूर आदमी है, जो बीपीएल कार्ड धारक है, जो अनाज का वितरण प्रणाली है उसको हम सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे उसके खाते में, तो खाते में उसी तरह से करेंगे जैसे गैस की सब्सिडी आपके खाते में आई। अगर पीडीएस सिस्टम देश से खत्म होगा तो एमएसपी भी खत्म होगी, अनाज बड़े बड़े जो सेठ लोग होंगे, बड़े बड़े जो घराने होंगे, जो कंपनियां होगी उनके गोदामों में बंद होगा। जिस तरह से आलू पर हुआ, जिस तरह से दूसरे चीजों पर हो रहा है, जब फसल किसान की आएगी तो रेट सस्ता होगा, जब गोदामों में अनाज चला जाएगा उसको वे रोकेंगे, मार्केट में शॉर्टेज दिखाएंगे, उसकी कीमत बढ़ाएंगे और ऊंची कीमत पर बेचेंगे। तो ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बने, 3 बिल वापसी नहीं हो, अनाज तिजोरियों में बंद नहीं होगा, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा।
रोटी बाजार की वस्तु नहीं बननी, व्यापारियों का बड़े घरानों का रोटियों पे अधिकार नहीं होगा। और उसका सीधा उदाहरण है जो मैकडोनाल्ड है, वे बड़ी बड़ी कंपनी है जो फूड चेन में आई है, जहां जहां पे भी ये कंपनी आए उनसे बातचीत हुई, जिन्होंने उनकी एजेंसियां ली, अगर कोई वहां पे रुके होंगे केएफसी मैकडोनाल्ड्स, ये जो बड़ी कंपनी है जो खाने का सामान बेचती है, उनका जब काउंटर बंद होता है शाम को 7, 8, 9, 10 बजे, अगर खुली हुई कोई चीज खाने का सामान उनके वहां बच गया, वो उसको किसी को खाने के लिए नहीं देते, चाहे उसका कर्मचारी भी हो। अगर उसका एक पैकेट खुल गया गुलाब जामुन रसगुल्ले का, और उसमें अगर 8 पीस है और 2 पीस ग्राहक ने ले लिए, तो 6 पीस वो किसी को देंगे नहीं, कैमरे के सामने उसको कूड़ेदान में डालना लगता है। हमने उनसे पूछा भाई किसी गरीब आदमी को दे दो जो आपके कर्मचारी है ये खा ले, कह लेगा नहीं, कंपनी का नॉर्म्स है, कंपनी में लिखा पढ़ा करना है कि किसी को बगैर पैसे के देना नहीं। तो इस तरह की कंपनियां खाने के क्षेत्र में आएगी, अनाज के क्षेत्र में आएगी, और वे कीमतें लगाएगी कि आदमी को कितनी भूख लगी है, भूख के आधार पे देश में कीमतें तय होंगी। यह आंदोलन खाली किसान का नहीं है, यह आंदोलन उस दुकानदार का भी है जो शहरों में बैठा हुआ है, जो गांव में बैठा हुआ है, जो एक दुकानदार 100 से ज्यादा लोगों को उधार सामान देता है, और उसको लगता है कि जब तनख्वाह के पैसे आएंगे तो मेरे पैसे मेरे घर पर आ जाएंगे, मेरी दुकान पर आ जाएंगे, जब किसान की फसल आएगी तो ये पैसा मुझे वापसी मिल जाएगा, वो दुकानदार भी खत्म होगा। बड़ी बड़ी कंपनी आ रही, वालमार्ट जैसी कंपनी आ रही, उनका अगला टारगेट है जो साप्ताहिक बाजार आपके क्षेत्र में लगते हैं, आपके शहर में लगते हैं, आपके गांव में लगते हैं, वे साप्ताहिक बाजार खत्म होंगे। 4.5 करोड़ लोग में हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, उनकी जो कमेटी के लोग हैं, वे लोग मिले थे, उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के साथ में हमको भी जोड़ दो, हम तो बर्बाद हो जाएंगे पूर्ण रूप से। 4.5 करोड़ लोग वे बर्बाद होंगे, वो जो बाजार है जो सस्ते में सामान लेके सस्ते में आम लोगों को बेचते हैं, जो 2 रुपए की कंगी, 2 रुपए का 5 रुपए का माताएं बहने संदूक खरीदती है, वहां से दूसरी और चीजें लेती है, माला लेते हैं, वहां से खिलौने लेते हैं, वो पूरा का पूरा कार जो कारोबार है, वो पूरा का पूरा कारोबार बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले जाएगा, उसका पूरा भार आम जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। तो इस आंदोलन में सबको साथ लेना है। नरेंद्र मोदी ने तो झूठ कहा कि सबका साथ सबका विकास, उन्हें तो बहकाने का काम करा प्रधानमंत्री ने, लेकिन किसानों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को, इनको सबको साथ लेकर चलना होगा। वहां जो एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में बागपत, उसमें एक फैक्ट्री है ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस की सारी फैक्ट्री बिखरी है, उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि किसानों को अगवानी करनी चाहिए, जो हमारे यहाँ पे फैक्ट्री है यहाँ पर आके एक पंचायत करें, और पहला एक फैक्ट्री के पक्ष में होगा कि ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री को हम बिकने नहीं देंगे, अगर कोई खरीदने आएगा तो उसको खरीदने नहीं देंगे। जय किसान। हमको ये जो संस्थान है इन संस्थानों को बचाना पड़ेगा। 26 बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वे बिखरी है, तेल की कंपनी, ऑर्डिनेंस कंपनी, टेलीफोन विभाग सारे बिक्री के कगार पे है, रेलवे, एयरपोर्ट,
तो जो लोग भी आपके संपर्क में हो, जो उनके वर्कर संपर्क में हो, जो उनकी कमेटी संपर्क में हो, उन लोगों से साथ मिले, उनसे बातचीत करो और उनको इस आंदोलन में शामिल करो। ये देश बिगड़ने से बचाना है और जिम्मेदारी किसान और मजदूर की है। आंदोलन चल रहा है, उनको सबको कहो कि आंदोलन आप अपने यहां पे भी शुरू करो। जब ये आंदोलन शुरू होगा तो ये देश बिकने से बचेगा। नहीं तो लुटेरे आगे देश में, ये लुटेरे हैं, लूट के जाएंगे। और हमको साबित करना है कि जो देश में जो लुटेरे आए हैं, ये लुटेरों का आखिरी बादशाह शामिल हो। इससे बाद में कोई लुटेरों का बादशाह ना यहां पे आए, इसको यही पकड़ना पड़ेगा, यहां से भगाना पड़ेगा। इनके नेता भी कैद में है, नेता मुक्ति अभियान भी हमको चलाना पड़ेगा। देश में बंधन में है नेता, एक घोषित कर्फ्यू है देश में, हाउस अरेस्टिंग है उनकी, वे बोल नहीं पाते। तो वो दिन दूर नहीं कि इनके लोग भी कहेंगे कि हमारे पक्ष में भी आंदोलन चला दो, नेता मुक्ति अभियान देश में चला दो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।